सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में एआरटीओ डीडी मिश्रा, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, डीआईओएस ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि विद्यालयों में संबंधित वाहनों के दस्तावेज का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तथा सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का अनिवार्य रूप से गठन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण के लिए कैंप भी लगाया जाए। डीएम ने कहा कि समय समय पर टीचर पेरेंट्स मीटिंग कर बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा किया जाए, जिससे स्कूली बसों में चालकों पर भी असर पड़ सके। सारे चीजें टेक्निकल रूप से बदल ली सर? नहीं नहीं नहीं, यहां पे बसें हैं, यहां बसें हैं, यहां बसें स्पेशली बसों मीटिंग करा रही है। ज्यादा बस वाले उनका कंपनी का स्कूल इंडियन एक उसके माध्यम से हम लोग भेज देते हैं। ये प्रश्न आज के लिए आप छोटे छोटे कस्टमर के लिए सूचना है स्कूल वालों को है 500 बसें हैं ना, मोटा मोटा 1200 ज्यादा 1200 700 बड़ी है और ये जो बंद मैजिक वाली 400-500 वाली है। अब जो लोग इतना प्राइवेट गाड़ियाँ और आती हैं उनका कम से कम कागज पत्र मिनिमम कागज हो, क्योंकि अगर उनका मिनिमम कागज नहीं रहेगा, मान लीजिए एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ उसका कोई कागज नहीं था, तब दिक्कत खड़ी होगी। तो वैसे देख लिया जाए कि उनके कागज हैं कि नहीं, क्योंकि स्कूल पहुँच जाता है उनके चेकिंग सुबह 8 बजे और शाम को 2 बजे तक हो सकती है, तो एक दरोगा या एक को 2-3-4 स्कूल देख सकते हैं। बताना होगा, नहीं मानेगा तो बंद करना पड़ेगा। परेशान करने के उसके समझने के लिए दो बार समझाना पड़ेगा। हमारा बच्चे को भेज रहे हो, कल कुछ होगा तो हमारा जिम्मेदारी होता है। हम स्कूल का जो माध्यम से नहीं बस चलता है उसका मानक हम 100% पालन करवाएंगे। लेकिन जो बाहर आप लोग प्राइवेट से आप लोग रखे हो, 4-5 परिवार मिल के आप लोग किसी से लाल भी बेचते हो, ये करते हो, ये कम से कम सावधान से करो ताकि मैजिक में हार कहाँ होता है।